जी से बात हुई अभी, तो उन्होंने भी ये कहा है कि मौसम थोड़ा सा अगर क्लियर होता है तो वो कल बात करेंगे आर्मी वालों से, उसके बाद यहाँ से भी हम लोग कोशिश करेंगे कि क्लियर करने का। वो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, हमसे जो हो पाएगा हम लोग करेंगे। मैं इसी वार्ड में हूँ, इसी वार्ड के साथ लगता है मेरा 6 नंबर वार्ड है, तो मेरे को जैसे भी मेरे को जैसे महिला मंडल प्रधान का से मुझे पता चला तो हम लोग सभी आ गए। यहाँ पे वर्कर एसोसिएशन के हमारे प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, और भी मेंबर्स हैं जो लोग आए हैं। जो भी हेल्प की जरूरत होगी, जो भी होगा हम लोग करेंगे, कहीं पर भी बात करेंगे हम करेंगे, ठीक है। आप चिंता मत करना, सब लोग बिल्कुल सेफ है, ठीक है, ओके। इसका वॉल्यूम नहीं पड़ेगा, जितना है उतना मैंने बढ़ा लिया। जो हमारे डांसकर सोसाइटी का अध्यक्ष और लक्ष्मीनाथ जी और महिला मंडल के जितने भी अध्यक्ष और एग्जीक्यूटिव उनका है, उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। डांसकर का एक काउंसलर होने के नाते वो आप लोगों ने डांसकर के जितने भी वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, उनको आप लोगों ने जो सुविधा मुहैया किया हुआ है, जो फैसिलिटी प्रोवाइड किया है रहने के लिए, अभी वहाँ पे जगह दिया है, तो उस चीज के लिए मैं दिल से आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं बहुत दिल से जरा उसे बिल्कुल आप लोगों का अप्रिशिएट करना चाहूंगा, धन्यवाद आप सबका। साथ ही साथ में जो जितने भी पैसे थे वहाँ पे फंसे हुए हैं, तो उनसे मैं ये अपील करना चाहूंगा, आप लोग अभी ये मौसम जब खराब हो जाता है या कोई ऐसा सिचुएशन पैदा होता है उसमें पैनिक नहीं होना है, वो हमेशा होते रहा है, अभी आने वाले दिनों में भी कुछ ना कुछ होते रहे। सबको हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है आप लोगों का राशन पानी का सुविधा का ये हो जाएगा, और साथ ही साथ जो अभी श्रृंखला खोलने का अभी जो ही मौसम साफ होता है हम दोबारा यहाँ से मिशन भेजेंगे। कल पहले हमने 21 तारीख के बाद हमने जो यहाँ से 3 मिशन भेजा था, जैसे हमारा जीसीपी है, रोलर ये है, डोजर है, टोटल तीन मशीन भेजा था। वो लोग गया था हमारा पंचोपा ठेक बोल के, एक सिंगुला टॉप पे पहुंचते पहुंचते वहां तक पहुंचा, वहां से वापस आना पड़ा उनको, बहुत तेज हवा चल रहा था, बर्फ भी हो रहा था, तो अभी वो लोग आज के कर्जा में रुके हुए हैं। जो ही कब मौसम साफ होता है, मौसम साफ है ऐसा है हमने देखा है, तो जो ही मौसम साफ होता है हम एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करके वो मशीन वापस भेज के सिंगुला टॉप तक वो क्लियर करेंगे। हिमाचल के जितने भी प्रशासन जहाँ हमारा जिलों का डीसी हो, उन सबको हम रिक्वेस्ट करके वहाँ से भी मशीन इंडक्ट करके रास्ते को एक बार हम खोलेंगे। अगर नहीं खोलने के सूरत में आप लोग या फिर दोबारा मौसम खराब हो जाता है, तो आप लोग मशीन जो भी हमसे हो सकता है, जो जो सहयोग हमसे चाहिए वो हम करने के लिए तैयार है। आपका हमारा जनरल सेक्रेटरी वहाँ पे है बीपी सिंह का नवंग, उनके हाथों में जितने बच्चे हैं, लड़कियां कितने हैं, औरतें कितने हैं और कितने बुजुर्ग हैं, उन सब का लिस्ट बना के वो प्रिपेयर होके रहिए सिचुएशन के साथ, कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें वो आप लोगों को फ्लाइट के लिए हेलीकॉप्टर के लिए बात करना पड़े, जो भी करना पड़े, हमसे जो हो सकता है वो हम करेंगे। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, ज्यादा ना बोलूंगा, हम लोग कंटेन में रहेंगे। इसी तरह हम करगिल से एनएसजीसी करगिल से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा मेंबर पार्लियामेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यूटी के हमारे गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों को जो भी तकलीफ है उस चीज को दूर करने के लिए हम हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद सबका, आराम से आप लोग निश्चिंत होकर बैठिए। थैंक यू वेरी मच हम लोग सारे अभी लेकर आएंगे, सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पहुँचा देंगे, ठीक है। खाने पीने का आपने बिल्कुल चिंता नहीं करना, जितने दिन बैठना है सब मजे करके बैठो, टेंशन मत दो आप लोग ना, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अब फंस तो गए हैं, है ना, फंस तो गए हैं तो मजे से बैठो, जब जाना है तो हेलीकॉप्टर में जाएंगे और क्या होगा, कुछ नहीं, मजे से बैठो सबको आराम से। किराया
सांतों यहाँ चितों जी यहाँ लास्ट वाज नज़र न टिक गया नज़र चुन चुन है चार जैसे आपको दवाई कुछ भी जैसे जो भी जरूरत होगा आप बेचैनी बोले हम आप लोगों के लिए हर साथ देने के लिए मेरा नंबर आप लोग रख लो और मुझे फोन कर देना किसी को अगर मेडिकल किसी चीज की फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है या कुछ भी किसी भी चीज से रिलेटेड आपने हमको बता देना ठीक है हम लोग जब मर्जी आप रात दिन जब मर्जी बुलाइए हम आ जाएंगे ठीक है आप लोग मेरा नंबर रख लो।